हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू वेल, आर वेरी वेल। सो गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कुवैत में कौन सा आप काम पे आओगे तो लाखों कमा सकते हो, कौन ऐसा काम है। तो ये बोलने से पहले, आप अगर कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं होटल लाइन से हूँ, या तो कोई बेकरी लाइन से है, या तो कोई पेस्ट्री पता है, कोई कंस्ट्रक्शन है, या तो कोई टाइल्स वाला है, तो ऐसा बहुत जो भी देखो अपना यहाँ पे कोई भी अपना अपना, जैसे ये होता है कोई बेकरी में पसंद करता है, जैसे मैं बेकरी में पहले था, फिर कोई कंस्ट्रक्शन रहता है, कोई जो अपना जिसको मर्जी, जो अपने एक्सपीरियंस, जिसको जैसा पसंद है काम, उस हिसाब से अगर आएगा ना तो यहाँ पर पैसा कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लीनर में भी लाखों कमाता है, मतलब लाखों ही कमाता होगा, क्योंकि जैसा अपना सुपरवाइजर देख लो, अपना जो क्या क्लीनर का सुपरवाइजर, वो क्या क्लीनर में आया था, अभी सुपरवाइजर बन के रखा है, तो उसका सुपरवाइजर 450 का डी सैलरी, मतलब इंडिया का 1,20,000-30,000 जैसा है उसका सैलरी, 1,20,000 या 30,000 जैसा समथिंग सैलरी होगा, वो आया था क्लीनर में, फिर भी इतना पैसा कमा पा रहा है। क्यों? वही चीज़, जो आप किसी भी तरह का काम पे आओगे, अगर आप एक्सपीरियंस नॉलेज, जैसे क्लीनर का ही बात करा था, तो जैसा अभी फॉर एग्जांपल जो क्लीनर में आया, वो बंदे को पूछेगा सैनिटाइजर के बारे में, अगर वो सुपरवाइजर में ऐसा जॉब पाना चाहेगा तो कितना तरह का सैनिटाइजर होता है, कौन सा सैनिटाइजर कब यूज करना चाहिए, ये सब पूछेगा, क्योंकि वो सुपरवाइजर में आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो उस फील्ड में माहिर है, इसलिए वो उतना कमा पा रहे हैं। जो जैसा फील्ड में माहिर है उस हिसाब से वो उतना पैसा कमा पाएगा। यहाँ पे अगर आप उस फील्ड में नहीं हो, दूसरा फील्ड में जा रहे हो, जैसे अभी मैं होटल लाइन का हूँ, अभी मैं टाइल्स वाले काम पे जाऊँगा तो मेरे को टाइल्स वाला ज़्यादा सैलरी नहीं देगा ना, वो बोलेगा तो हेल्पर भी नहीं है, मतलब हेल्पर से भी नीचे मेरे को सामान ढुलवाएगा। और जो टाइल्स वाला काम पता है वो अच्छे से यहाँ पर आएगा, और वो तो ऑब्वियसली 1,00,000 से ऊपर कमा सकता है। यहाँ पर देखो पैसा है, एक बात बोलो, यहाँ पे पैसा है कमाने के लिए। बहुत ऐसा देखा हूँ बंदे लोग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बांग्लादेश का बंदे लोग ज़्यादा क्लीनर में रहते हैं, बट ऐसा बांग्लादेशी देखता हूँ, वो मतलब मेरे से क्या, मेरे भी 3 गुना 4 गुना पैसा कमाता है। कैसे करके? वही नॉलेज लगा के, एक्सपीरियंस हो गया, यहाँ पे रह रहे का थोड़ा पता चल गया, वीज़ा के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता है, उस हिसाब से वो कमा पा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेशी, हम मोस्टली सच में बांग्लादेशी मोस्टली आपको क्लीनर में मिलेगा, जो बांग्लादेशी है दूसरा जगह पे, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से वो लोग का एक्सपीरियंस हो गया, उस हिसाब से नॉलेज हो गया। जैसे पाकिस्तानी आप देखो, वो सेम पाकिस्तानी का भी यही हाल है, पाकिस्तानी कहीं पे उतना अभी तो नहीं मिलता कुवैत में, बट जो लोग भी है बहुत ज़्यादा सैलरी वाला है, सेम इंडिया का, बट इंडिया मोस्टली थोड़ा सैलरी हाइस्ट पोजिशन में भी है, कम सैलरी वाला बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। सो आप जब भी ऐसा कुवैत आने की सोच रहे हो ना, आप जो भी डिपार्टमेंट में आने की सोच रहे हो, आप अच्छे से एक्सपीरियंस ले लो, उसका नॉलेज ले लो, उसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली पैसा कमा सकते हो, लाखों से भी ज़्यादा कमा सकते हो। बट यहाँ पे कमाने के लिए एक ही चीज़, एक्सपीरियंस चाहिए, और आते टाइम थोड़ा जहाँ से आप आ रहे हो, जैसे हो गया वापिस, ये सब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और वो सब चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं दूसरा चीज़, बट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर एक्सपीरियंस दिखेगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा जॉब मिले। आप क्लीनर में भी आ रहे हो फिर भी आप ज़्यादा कमा सकते हो, आप क्लीनर से सुपरवाइजर बना देगा या और कुछ बना देगा, वो सब चीज़ अपना हिसाब से होता है गाइस। सो जब भी आप आ रहे हो ये सब चीज़ देखा करो। सो आप जब भी आ रहे हो ना, तो कभी भी ऐसा देखा करो कि आप कहाँ पर आ रहे हो और आपका एक्सपीरियंस कितना है और एजुकेशन कितना है। एजुकेशन भी मायने रखता है, एजुकेशन देखो, एजुकेशन रखा करो कुवैत के लिए, यहाँ से इजीली यूरोप कंट्री जा सकते हो, यहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटी। अगर आप कुवैत आ गए ना तो यहाँ से आप इजीली कहीं पे भी जाके सैलरी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी कम मिल रहा है तो यहाँ से यूरोप कंट्री सेटल हो सकते हो। बहुत ऐसा ऑप्शन है, बस एजुकेशन और एक्सपीरियंस ये सब लेके आओ कुवैत, तो आप इजीली ज़्यादा पैसा कमा सकते हो गाइस। ये तो आपके ऊपर है, और मेरे को तो लग रहा है आप कर भी सकते हो। आप जो कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसा इजीली कमा सकते हो, बट इस हिसाब से आने का कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये दो चीज़ मायने रखता है। हाँ, इंग्लिश यहाँ पे आके सीख जाओ, उसका कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस, बस यही, और अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, किसी को बाय।